छठा ओपनिंग पर 1 लाख रुपया। थैंक यू थैंक यू। सेठ जी, सत्ते पर बहुत माल लग गया है, आ गया तो 18-20 लाख का वल्लन चुकाना पड़ेगा। बड़े भाई कुछ बाहर काट दो। नहीं बिरादर, सत्ता आज कहाँ से आ जाएगा। खा लो मुनीम जी, नो लिमिट खा जो। नो लिमिट। हिंदुस्तान, मलेशिया और सिंगापुर मिला के आज की टोटल बैटिंग 3,60,00,000 की है, जिसमें से 2,40,00,000 रुपया हमारे बुकीज के पास लगा हुआ है। तो शेफ लाइन पत्ते खोले। बाला 1 2 4 ऊपर सत्ता। हाँ भाई कौशल। हाँ मित्रों, 4 5 सत्ता। सत्ता सत्ता सत्ता। कल ओपनिंग में सत्ता, क्लोजिंग में सत्ता, आज फिर ओपनिंग में सत्ता, पूरे 20 लाख रुपए का घाटा। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा, ये पहले का भी किसी जमाने का वीडियो है दोस्तों, मतलब पिक्चर बनी हुई थी सट्टे के ऊपर दोस्तों, कि सट्टा कैसे खुलता है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, पहले के जमाने में इसी तरह से कुछ सट्टा खुलता था दोस्तों, मतलब मटका जो बाजार था दोस्तों, इसी तरह से खुलता था। कल्याण का गेम हो, महादेव का, मतलब कोई सा भी गेम हो, रानी श्रीदेवी हो, या फिर कोई भी गेम हो, राजधानी नाइट टाइम बाजार मेन बाजार है ना दोस्तों, इसी तरह से कुछ खुलता था पहले। लेकिन दोस्तों, समय के साथ चीज़ें बदल चुकी हैं दोस्तों, अब कंप्यूटर हो गए हैं दोस्तों, हर हर जगह मतलब ऑनलाइन, पूरा गेम पूरा ऑनलाइन हो गया दोस्तों। पहले तो ऑफलाइन था, मतलब पर्ची बनती थी, ये होता था, कहीं वो होता था, मटके नंबर निकलता था, कहीं पत्ती से निकलता था दोस्तों। लेकिन अब दोस्तों, अब सब सॉफ्टवेयर के ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब कि सब कंप्यूटर के ऊपर आ गया, सब काम अब ऑनलाइन होने लगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब ऑनलाइन वाला सिस्टम किस तरह से मटका वाले अपना अंक निकालते हैं दोस्तों, सट्टा मटका वाला अंक किस तरह से अपना निकालते हैं, मतलब जो खोलता है वो किस तरह से अंक खोलता है दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। हां तो दोस्तों, उससे पहले मैं महादेव आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल टिप्स टुडे नंबर 1 पे दोस्तों। महादेव मटका का ओनर हूं मैं दोस्तों, मेरा नाम भी महादेव है और टिप्स टुडे नंबर 1 अपना चैनल का नाम है दोस्तों। तो चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो करना हो लाइक तो कर दीजिए दोस्तों। बाकी अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप जरूर लाइक करेंगे, मुझे पता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अपन आ चुके हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नजर आएगा कुछ इस तरह का चार्ट दोस्तों, है ना दोस्तों। ये चार्ट है ओपन विनिंग का, मतलब ओपन जब खुलने वाला रहता है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से गणित लगती है वहाँ पे कि अपना ओपन क्या खुलना चाहिए, कुछ इस तरह से पता चलता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे पता चलता है यहाँ पे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चार्ट की, कैसा ये चार्ट है, थोड़े जूम करके देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, ये चार्ट अपने ही द्वारा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अपना ही नाम है यहाँ पे, क्योंकि अपने ही द्वारा ये चार्ट अभी बनाया गया है दोस्तों। मतलब ये खाली एजुकेशन पर्पस के लाने का, खाली आप लोगों को बताने के लिए कि किस तरह से गेम खुलता है दोस्तों, है ना। ये किसी तरह का मतलब कोई लीक वाला नहीं है, खाली ये बताने के लिए है कि किस तरह से गेम खुलता है। इसको बोलते हैं दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं क्या, मटका टोटलाइजर, है ना दोस्तों। क्या बोलते हैं, मटका टोटलाइजर बोलते हैं इसको। ये सॉफ्टवेयर आपको उनको बताता है कि कौन से अंक में कितना लोड है, कौन से अंक में कितनी विनिंग देना पड़ेगा। मतलब जैसे अपन 1 रुपये का 9 रुपये मिलता है, तो इधर देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे 1 अंक में ये 1 का है, इस पर इतना लोड हुआ है, ठीक ना, 1 का है, इस पर इतना लोड हुआ है दोस्तों, तो अपने को विनिंग इतनी देनी पड़ेगी, है ना। मतलब इसका ये इसका 9 गुना हुआ है यहाँ पे, मतलब 1 अंक का 9 रुपये, है ना, इस तरह से यहाँ पे दिखाया है दोस्तों, तो उसी हिसाब से यहाँ पे बना हुआ है। चलिए दोस्तों, ये तो मटका टोटलाइजर इस गेम का नाम हो गया, मतलब सॉफ्टवेयर का नाम हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो अपन को क्या नजर आएगा दोस्तों, यहाँ पे नजर आता है अपन को क्या, ओपन लिखे आता है, क्योंकि ये दोस्तों, ये जो मतलब चल रहा है अभी, ये सॉफ्टवेयर जिस पे रनिंग कर रहा है, ये ओपन के लिए रनिंग कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे ओपन खुलने वाला है। ओपन खुलने से पहले सॉफ्टवेयर में क्या क्या लोड होता है दोस्तों, ये बता रहे हैं। फिर इसके बाद ओपन खुल जाता है, फिर उसके बाद ये सॉफ्टवेयर फिर रीसेट हो जाता है, फिर क्लोज खोलने के लिए अपन पे अंक यहाँ पे मतलब लोड आता है क्लोज खोलने के लिए, है ना दोस्तों। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। तो यहाँ पे देखिए ओपन लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, देखिए दोस्तों, अमाउंट लिखा हुआ है, लोड अमाउंट, मतलब 1 अंक में ये 1 का है, ये 2 की है दोस्तों, है ना, इन अंकों में कितना मतलब कितना पैसा यहाँ पे, देखिए दोस्तों ये पैसा है, कितना पैसा यहाँ पे अमाउंट लोड हो रहा है दोस्तों, है ना, ये यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे अपन, तो यहाँ पे अपन को क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा अपन को ऑफिस, है ना दोस्तों, यहाँ पे अपन को ऑफिस दिखा हुआ है। ऑफिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे अपनी पर्ची कटती है ना दोस्तों, जहाँ पे अपनी पर्ची कटती है उसको बोलते हैं ऑफिस। ऑफिस समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो वो मेन ऑफिस बड़े बड़े होते हैं दोस्तों, आपके जो मोहल्ले वोहल्ले में होते हैं या फिर सिटी उटी के अंदर होते हैं, वो छोटे ऑफिस होते हैं, या फिर उसको ब्रांचेस बोल सकते हैं अपन, है ना दोस्तों, वो होते हैं छोटे ऑफिस। लेकिन जो मेन ऑफिस होते हैं दोस्तों, वो काफ़ी बड़े होते हैं, वो खुफिया तरीके से बनते हैं दोस्तों, मतलब पुलिस वुलिस या फिर आम लोगों के नज़र में नहीं रहते, वो काफ़ी बड़े बड़े लोगों को मतलब ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ से पता भी नहीं चलता कि अपन को यहाँ पे ऑफिस होगा मटका का, है ना, ऐसी जगह पर होते हैं। तो ये रहे ऑफिस दोस्तों।
उसके बाद आता है ये रहा विनिंग अमाउंट। विनिंग अमाउंट आप समझ गए होंगे दोस्तों कि विनिंग अमाउंट क्या होता है, मतलब यहाँ से जितना अंक लोड हुआ है उसका 9 × 9 करके यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं कि इतना अगर जीतेगा, अगर ये ओपन में एक खुलता है तो सबको इतना पैसा टोटल सट्टे वाले को मटके वाले को अपन को देना पड़ेगा, है ना दोस्तों, जनता को इतना अमाउंट मटके वाले को देना पड़ेगा, ये यहाँ पे विनिंग अमाउंट लिखा रहता है ना दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कट आउट, यहाँ पे देखिए दोस्तों उसके बाद यहाँ पे कटआउट लिखा हुआ है। कटआउट का मतलब होता है क्या, कमीशन। कमीशन कटता है दोस्तों, आपको पता होगा कि पर्ची जो काटते हैं, मतलब जो बैठे रहते हैं वो जो ऑफिस बना के रखते हैं, ऑफिस वाले का खर्चा, वहाँ पे लाइट वेट का खर्चा, और पर्ची जो काटते हैं उनका खर्चा, गाड़ी घोड़े का खर्चा, सबका खर्चा यहाँ पे कमीशन से कटता है दोस्तों, है ना, यहाँ पे कमीशन होता है उससे कटता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, आप समझ लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे ये हो गया इक्का, जैसे मान लेते हैं ये इक्का है अपने पास, इक्के पे यहाँ पे दोस्तों टोटल इतना लोड है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों 77 ऑफिस हैं दोस्तों, कोई 500 लगाया, कोई 10 रुपये लगाया, कोई 1000 लगाया, कोई 20000 लगाया दोस्तों, तो टोटल 77 ऑफिस से लोड आया है ना। तो ये कितना लोड आया दोस्तों, एक के ऊपर इतना लोड आ गया, देखिए दोस्तों एक के ऊपर इतना लोड आ गया। और दोस्तों अगर एक ओपन में खुलता है ना दोस्तों, क्या बोल रहा हूँ, अगर एक ओपन में खुलता है तो अपन मतलब जो मार्केट वाला है जो खोलता है उसको टोटल इतना अमाउंट देना पड़ेगा जनता को, मतलब ऑफिस में भेजना पड़ेगा वापस, ये गया इतना अमाउंट ऑफिस में वापस भेजेगा वो, तो ऑफिस वाले मतलब इतना अमाउंट ऑफिस में वापस भेजेगा, तो इतना अमाउंट ऑफिस वाले वापस जनता को बांट देंगे, है ना दोस्तों। यहीं से आया जनता के पास ये अमाउंट, इसका अमाउंट ये बना, है ना दोस्तों, मार्केट में फिर उसको देना पड़ गया, ऐसा होता है दोस्तों, समझ गए होंगे। और ये रहता है कमीशन जो कट जाता है। चलिए दोस्तों इस चीज़ को तो आप समझ गए, अब बढ़ते हैं कैसे गेम बांटता है, मतलब कैसे होता है टोटल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये टोटल हो गया किस चीज़ का है, यहाँ पे देखिए ये जितना भी यहाँ पे अंक है, मतलब जितना भी टोटल लोड आता है 1 से लेकर 0 तक, आपको पता होगा 10 अंक होते हैं मटके में, तो 1 से लेकर 0 तक जितने भी यहाँ पे अंक लिखे हैं दोस्तों उनका सबका टोटल करते हैं, यहाँ पे सबका जितना भी लोड होता है सबका टोटल करता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हो गया टोटल, ये हो गया टोटल, है ना दोस्तों। अब इस टोटल से इन लोग कमीशन काटते हैं, ये कटआउट जो लिखा है सीओ मतलब कटआउट होता है दोस्तों, कटआउट काटते हैं कितना दोस्तों, कटआउट यहाँ पे पहली बार में कटता है 3% कटआउट कटता है, मतलब वही आपको पता है पर्ची काटने वालों का और वो बिजली उजली का गाड़ी घोड़े का सबका खर्चा 3% कटता है दोस्तों, तो यहाँ पे 3% कट जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों ये टोटल अमाउंट अभी बचा है, 3% कटने के बाद ये अमाउंट बचता है, ठीक। और ये अमाउंट से अब 30% कटेगा, 30% किस चीज़ का कटेगा दोस्तों, ये कटता है मालिक का, जो मालिक होता है प्लस जो बड़े बड़े वो रहते हैं, आपको पता ही होगा किनकी वजह से चल जाता है, है ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, टोपी वाले लोग होते हैं, समझ गए होंगे मेरी बात, तो ये उनका कमीशन होता है दोस्तों यहाँ पे, मतलब कटआउट कटता है, ठीक ना, 30% गेम वाले का जो मालिक है उसका, और प्लस जो लोग साथ में रहते हैं उनका, है ना, उनका कमीशन यहाँ पे कट जाता है। तो टोटल अमाउंट क्या बचता है अपने पास, टोटल अमाउंट ये बचता है, टोटल आखिरी का अमाउंट। देखिए दोस्तों टोटल ये जुड़ा था, उसमें से कमीशन 2 बार कटा है यहाँ पे, उसके बाद टोटल आखिरी में जो जनता के लिए बचता है दोस्तों ये अमाउंट बचता है, ये देख लीजिए ये अमाउंट टोटल बचता है, इसको कहते हैं विनिंग अमाउंट, है ना दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, इसको बोलते हैं यहाँ पे विनिंग अमाउंट। विनिंग अमाउंट मतलब होता है ये जो अंक खुलेगा तो ये टोटल इतने के अंदर खुलना चाहिए, नहीं तो वो अपनी जेब से भरेगा, गेम वाला है ना, मटका वाला अपनी जेब से भरेगा, इतने के अंदर खुलेगा तो अपनी जेब से नहीं भरेगा, और इससे ज़्यादा खुलेगा तो उसको फिर जेब से भरना पड़ेगा, तो वो जेब से तो भरने से रहा दोस्तों, अपना ही पैसा अपने को वापस करता है, आपको पता है आपसे लिया आप ही को वापस कर दिया, इस तरह का होता है। तो दोस्तों इतने के अंदर ही गेम आना चाहिए, है ना, ये होता है यहाँ पे विनिंग अमाउंट। ये रहा अपना दोस्तों क्या है, 31,23,400, है ना, ये है अपना विनिंग अमाउंट। तो यहाँ पे दोस्तों अपन साइड में लिख लेते हैं विनिंग अमाउंट, यहाँ पे 31,43,400, ये अपन साइड में लिख लिया दोस्तों, क्यों लिख लिए अभी बताते हैं। अब मान लीजिए आप होते गेम वाले तो आप कौन सा अंक खोलते, आपको यहाँ पे देखना है क्या, अपन को देखना पड़ेगा यहाँ पे, ये देखना पड़ेगा अमाउंट, विनिंग अमाउंट कि विनिंग अमाउंट कितना बन रहा है, खाली इसके अंडर में होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना, इससे कम होगा तो चलेगा दोस्तों, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपनी जेब से भरना पड़ेगा आपको, है ना, आप समझ लीजिए एक थोड़ी देर के लिए कि आप ही हैं मटके वाले, आप ही अंक खोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कैसे खुलेगा अंक। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अपना क्या 31 था, है ना, 31 है, तो यहाँ पे देखना है दोस्तों, यहाँ पे एक अंक आता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आता है ये 2 को देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना लोड क्या है 27 है, बहुत कम है, है ना, ये हो गया एक अंक, ये खुल सकता है अपन के लिए, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं यहाँ पे, फिर आपको बताते हैं अच्छी तरह से। हाँ, 1, 2 है दोस्तों, इसमें देखिए 27 है यहाँ पे, तो एक ये अंक खुल सकता है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों ये 36 है, थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मतलब जेब से देना पड़ सकता है, तो नहीं खोलेंगे अपन इसको। फिर उसके बाद 45 ये भी ज़्यादा है, 36 ये भी ज़्यादा है, 72 ये भी ज़्यादा है, 27 ये कम है दोस्तों, है ना, तो इसको अपन खोल सकते हैं, अपनी जेब से पैसे नहीं लगेंगे, ठीक ना। उसके बाद आता है ये 54 ज़्यादा है, ये है 18 बहुत कम है दोस्तों, ये तो खोल ही जाना चाहिए। चलिए दोस्तों ये हो गया, 3 अंक है अपने पास क्या दोस्तों खोलने के लिए ऑप्शन में, दुक्की है यहाँ पे 70 और नहलाएगा, है ना दोस्तों, 3 अंक अपने को मिल गए हैं, ठीक। 3 अंक क्या मिले हैं, 2, 7 और 9, ये 3 अंक मिल गए हैं दोस्तों यहाँ पे, इन्हीं 3 अंक में से यहाँ पे खुलने की चांसेस रहेंगे, है ना,
इन्हीं तीन अंक में से खुलने के चांसेस रहते हैं। अब देखते हैं कौन सा अंक खुलना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे खुलना चाहिए दोस्तों, अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और देखना पड़ेगा। अगर आप खोल देते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पे अगर आप खोल देते हैं 9, है ना, अगर आप 9 खोल देते दोस्तों तो आपको लॉस हो सकता है। मतलब लॉस किस तरह से होगा कि आपकी जनता अब यहाँ पे गेम नहीं खेलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने पास ऑफिस, अब देखते हैं क्या ऑफिस देखते हैं, यहाँ पे ऑफिस क्यों रहता है, अब आपको बताता हूँ ऑफिस क्यों रहता है। यहाँ पे है क्या 178, मतलब 48 ऑफिस, यहाँ पे देखा क्या 148 ऑफिस हैं, जिसमें से अपन को क्या नहला मिलेगा खुलने पे, और 18 ये 18 जिसमें लिखा है ये वाला अमाउंट चला जाएगा, इतना अमाउंट जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे है 139 है दोस्तों, ठीक ना, और यहाँ पे है 159 दोस्तों। तो मटका वाला जो होते हैं दोस्तों, वो किस तरह से करते हैं, वो कैसा कहते हैं कि अपना अमाउंट इससे, ये जो अमाउंट है इससे कम ही रहे, और प्लस जो ऑफिस रहते हैं, ऑफिस की जो संख्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों जो ऑफिस की संख्या है, ये ऑफिस की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा लोगों का खुले लेकिन पैसा कम जाए अपना, है ना। मतलब जैसे अगर ज़्यादा लोगों का खुलेगा और पैसा कम जाएगा तो ज़्यादा लोग यही समझेंगे कि आज मेरा खुल गया, लक है मेरा आज, तो फिर कल फिर से खेलेंगे। मतलब वो एक तरह से बनाता है क्या, लालच बनाता है, लालच नहीं बनेगा तो गेम कैसे चलेगा दोस्तों। तो वो लालच बना देता है यहाँ पे ज़्यादा जगह ऑफिस खोल के। तो यहाँ पे अपने पास क्या 3 अंक थे दोस्तों, 3 अंक है 2, रुकिए दोस्तों, यहाँ पे अपने पास थे 2, है ना, 7 और 9, लोड है तीनों में, लोड तीनों में इतना है कि अपन खोल सकते हैं, ठीक ना। और अब अपन देखेंगे ऑफिस, ऑफिस क्या है, ये रहा ऑफिस, ऑफिस यहाँ पे 159 139 148, तो यहाँ पे अपने पास 139 सबसे कम ऑफिस है दोस्तों, इसको नहीं खोलेंगे अपन क्योंकि इसमें बहुत कम ऑफिस है, अपन को ज़्यादा ऑफिस खोलना है। फिर उसके बाद 148 भी नहीं दोस्तों, ये भी कम है, तो ये सबसे 159 वाला ऑफिस अपना दुखी रहेगा दोस्तों। तो टोटल अपन क्या खोलेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपन खोलेंगे 2, जिससे अपन को फ़ायदा होगा आगे आने वाले दिन में। अपन क्या, अपना इस अमाउंट से ये अमाउंट भी, है ना दोस्तों, इतना ही है लगभग, तो अपन सब इतना पैसा है अपने पास, इतना पैसा तो अपन दे ही सकते हैं, दे दिए दोस्तों बड़े प्रेम से, है ना। और कितनी जगह पे दिए दोस्तों, 159 ऑफिस थे दोस्तों, 159 ऑफिस में से पता नहीं कितने लोग लिए होंगे दोस्तों, मतलब हजारों करोड़ों लोग लिए होंगे यहाँ से, अपन क्या दुक्की लगाए होंगे उनको, मतलब इतना पैसा वापस हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से सब खुश भी हो जाएंगे दोस्तों, और अपना प्रॉफिट भी हो जाएगा, क्या मटके वाले का प्रॉफिट भी हो जाएगा यहाँ पे, और साथ ही साथ जनता का भी प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब मटका इसी तरह से चलता है दोस्तों, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आप ही से पैसा लेते हैं और आप ही को वापस कर देते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से खुलता है अंक, है ना। मटका का अंक आपको समझ आ गया होगा किस तरह से खुलता है, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे मटका टोटलाइजर इस मशीन का नाम रहता है दोस्तों, यहाँ पे ओपन अमाउंट मतलब क्या लोड अमाउंट, इसे कहते हैं लोड, इसे कहते हैं विनिंग, ये ऑफिस, ये है कटआउट मतलब कमीशन। उसके बाद ये टोटल अमाउंट का जोड़ते हैं दोस्तों, टोटल अमाउंट जोड़ते हैं तो इतना लगभग हो गया, यहाँ पे एक ही दिन का है दोस्तों, ये ओपन बस का, ओपन खोलने का है ना, ओपन खोलने का ये रहता है 3%। यहाँ पे कटआउट कटता है किसका दोस्तों, पर्ची उर्ची काटने वालों का, आपको पता है पर्ची गाड़ी घोड़ा ये सब का खर्चा, बिजली उजली और ऑफिस ऑफिस की जमीन उमीन का, मतलब जहाँ ऑफिस खोलते हैं दुकान खोलते हैं उसका भी तो खर्चा देना पड़ेगा ना दोस्तों, तो 3% ये कट जाता है। उसके बाद ये टोटल अंक बचता है 3% कटने के बाद, 3% कटने के बाद ये टोटल अंक बचता है, इसमें से क्या काटते हैं 30% काटते हैं। 30% कौन काट लेता है दोस्तों, ये हो गए वही लोग बड़े बड़े राजनेता, मतलब समझ गए होंगे आप मेरा, है ना, वही लोग हो गए। फिर उसके बाद हो गया अपना मतलब मालिक, जो मालिक होता है वो काट लेता है, ठीक ना, अपना हिस्सा। उसके बाद टोटल अमाउंट ये बचता है जो विनिंग अमाउंट कहलाता है, इसी में से दोस्तों, इसमें से जो भी टोटल अमाउंट विनिंग अमाउंट में जितना भी बैठ जाएगा, मतलब वही अंक लगभग बैठना चाहिए, अंक बैठना चाहिए, तो वही अंक से यहाँ पे ऑफिस देख के ज़्यादा ऑफिस हो, जिसकी संख्या ज़्यादा हो और अमाउंट कम हो, ऑफिस संख्या ज़्यादा हो अमाउंट कम हो, तो वही अंक यहाँ से ओपन में खोल देगा दोस्तों, है ना, ऐसा होता है गेम। हाँ तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और आगे आने वाले समय में आपके लिए ऐसी बेहतरीन जानकारी वाले वीडियो लाऊंगा दोस्तों मटका बाजार से रिलेटिव, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, एकदम लॉस कवर गेम भी देते हैं दोस्तों, आपको पता ही अपने वीडियोस में अपने चैनल पर लॉस कवर गेम आता रहता है, कल्याण से जुड़ा हुआ, कल्याण गेम से जुड़ा हुआ लॉस कवर गेम आता है, साथ ही साथ एकदम बेहतरीन ट्रिक अपन बताते हैं अपने चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और आगे आने समय वाले में एकदम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, जिसमें आप अपने घर पर ही बैठे बैठे मतलब मोबाइल पे ही से अपने ट्रिक निकाल सकते हैं दोस्तों, जिसमें से आपको टोटल 3 अंक मिलेंगे दोस्तों, और आप एकदम बेहतरीन तरीके से 3 अंक में डेली का डेली ओपन में या फिर क्लोज में पास करेंगे, मतलब ओटीसी गेम रहेगा दोस्तों, ओपन नहीं तो क्लोज आएगा ही आएगा, ज्यादातर ओपन आएगा, फिर अगर ओपन नहीं आता बाय चांस मिस होता है तो क्लोज में गेम खुलेगा ही खुलेगा दोस्तों, इस तरह की भी ट्रिक है अपने पास। अगर वो ट्रिक आपको लेनी मतलब देखनी हो कैसे होते हैं कैसे क्या होता है दोस्तों, तो आप मेरे को एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जाकर लिख दीजिए दोस्तों कि अपन को ट्रिक भी जाननी है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो चाहिए हो किस टॉपिक पे, मैं आपको टॉपिक बता देता हूं दोस्तों, अपन टॉपिक एक और है अपने दिमाग में दोस्तों, कि मटका किस तरह से खेलें, मतलब कितना अंक खेलें अपन टोटल, और कैसे खेलें, कितना लोड करें उसमें, कितना पैसा लगाएं अपन, और टोटल अपने पास कितना पैसा होना चाहिए मटका खेलने के लिए कि अपन को लॉस ना हो, कितना ओपन खेलें, कितना जोड़ी खेलें, कितना पैनल खेलें दोस्तों, और कितना अमाउंट से खेलें, ये सब अगर आपको जानना हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ मैं पोल बनाने वाला हूं, पोल में आपको मैं दे दूंगा, उसमें जाके आप वोटिंग कर सकते हैं दोस्तों, वोटिंग कर दीजिए कि आपको ट्रिक पे चाहिए वीडियो या फिर ऐसी नॉर्मल अंक मतलब ओटीसी अंक देते रहे, है ना दोस्तों। अगर आपको लंबी वीडियो चाहिए हो तो लंबी वीडियो के लिए भी बोल सकते हैं, और ओटीसी अंक का केवल चाहिए हो डेली का डेली तो वो भी बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों लेता हूं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर चैनल को पहली बार आए तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए दोस्तों लेता हूं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।